हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है ना, और बहुत खुशी महसूस हो रही। सच में आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे कि सच में मैं तो सोच रही थी कि मैंने वीडियो क्यों बंद किया। मैं खुद पछताने लगी अपने ऊपर कि मुझे ब्लॉग अपना बंद नहीं करना था। और सच बताऊँ तो बंद करने की कोई वजह नहीं थी, बस ऐसे ही मन नहीं किया तो वीडियो मैंने नहीं बनाया। लेकिन सच में मेरे जो अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो मेरा सच में वेट करते हैं। तो कभी कभी मैं भी वेट करती हूँ कि देखती हूँ आप लोगों में से कितने लोग मुझे पसंद करते हैं। तो हम भी आपका इंतज़ार करते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग पूछते हैं। तो सच में मैंने देखा इस चीज़ को, मुझे बहुत अंदर से मतलब एक खुशी महसूस हुई अंदर से कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते, इतने सारे मैसेज आप लोगों ने किए, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि भाभी जी प्लीज़ वीडियो बनाओ, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। नहीं तो मैं कभी कभी ऐसे ना सोचती हूँ जाने दो, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। अंदर से होता है कभी कभी, फिर सोचती हूँ नहीं मुझे वीडियो बनाना है, मुझे यूट्यूब पर आना है, लोगों से बातें करनी, नहीं तो लोग सोचेंगे कि क्या हो गया अचानक भाभी जी वीडियो नहीं बना रही हैं। तो हमने सोचा चलो आज मैं अपना एक ब्लॉग बना देती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वजह कुछ नहीं थी। अगर आप लोग पूछेंगे कि क्या वजह थी जो वीडियो नहीं बना रहे थे, पूछेंगे नहीं, आप लोग पूछ भी रहे थे, तो वजह कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही नहीं बना रहे थे। हम सोच रहे थे कहीं कुछ नया हो हमारी लाइफ में तब शेयर करें आप लोगों के साथ, और आप लोग भी देखिए, और या फिर कहीं हम घूमने जाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जब कहीं जाएंगे तो शेयर करेंगे, या फिर कुछ नया होगा हमारी लाइफ में तब शेयर करेंगे। अब फालतू की वीडियोज़ बनाने से कोई मतलब तो है नहीं। तो अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर में काफ़ी ज़्यादा ऑयल मैंने लगा रखा, क्योंकि सिर दर्द था थोड़ा सा, तो मैंने तेल रख लिया है, इसलिए मेरे बाल ना थोड़ा चिपके चिपके से हैं। देखो बैंगल्स मैंने एक एक डाल ली है, इसके बाद कंगन पहन लिया है। बहुत ज़्यादा चूड़ी हमेशा पहनना निकालना अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने एक एक कंगन पहन लिया। आप सब देख सकते हो मेहंदी लगाई थी, अच्छी लग रही नहीं? अगर आपको मेहंदी लगाने नहीं आती ना तो बताना, हम आपके साथ ना शेयर कर रहे हैं। मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में मेहंदी कैसे लगाई, अगर आप जानना चाहते हो तो चलो थोड़ा सा क्लिप में उसका भी आप लोगों के साथ दिखा दे रही हूँ कि मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में मेहंदी कैसे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं चलो मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे। तो मैं क्या करती हूँ, खुद से एक ट्रिक अपनाती हूँ, कोई ना कोई ट्रिक निकाल ही लेती हूँ कि कैसे मेहंदी लगा लूँ, जिससे कि डिज़ाइन भी अच्छी बन जाए और अच्छी भी लगे देखने में। जब मुझे कहीं आना जाना होता है ना, तो यही आइडिया मैं करती हूँ। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, है ना एकदम इजी तरीका। अगर आपको भी मेहंदी लगाने बिल्कुल भी नहीं आती तो आप इस ट्रिक से ना एकदम आसानी से लगा सकते हो, और इतनी जल्दी लग जाती है, सच में बिलीव भी नहीं होता, और डिज़ाइन भी अच्छी बनती है। तो आप लोगों को कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में टाइप करके। तो फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग उसका वेट करना, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। आप लोग सोच रहे हैं कि भाभी जी साड़ी क्यों पहनी है, तो इसकी वजह मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग वेट करना, ठीक है? मैं बहुत जल्द अपना ब्लॉग शेयर करूंगी। आप लोग ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं ना, तो मुझे भी अंदर से सच में एक अंदर से एक मतलब उत्साह होता है कि नहीं मैं वीडियो बनाऊं। कभी कभी मैं लोगों की बातों को सोचती हूँ तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं भी इंसान ही तो हूँ, तो कभी कभी हो जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, जो हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं वो मुझे जब कमेंट करते हैं, तो वैसे सच बताऊं तो मेरे पास बैड कमेंट नहीं आते, छूट क्यों बोलूं, बैड कमेंट नहीं आते, लेकिन हाँ एक दो कभी कभार आ भी जाते हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ उससे। तो आई होप आप लोग जो है बुरा मत मानना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो दो एक लोग हैं, और कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल पर देखो मेरी आप सब देखते हैं जब मैं वीडियोज अपलोड करती हूँ, तो कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते भी हैं और डिसलाइक भी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?
क्या आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो बताओ, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो पहले पूरा वीडियो तो देख लिया करो, आप लोग आते हो बस डिसलाइक कर देते हो। एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, और आप लोग आके डिसलाइक कर देते हो। तो आप लोग बताओ ना कि क्या कमी है, कमेंट करके बताओ, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और गलतियों की बात रही तो गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान से ही तो गलतियाँ होती हैं, है कि नहीं? हर इंसान से गलती होती है, और हर इंसान में अच्छाई बुराई है। तो अगर आप अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई मिलेगी, और अगर आप किसी के अंदर बुराई ढूंढेंगे तो बुराई मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि बुराई ही बुराई है या फिर अच्छाई ही अच्छाई है, दोनों है, अच्छा भी और बुरा भी है, सबके अंदर होता है ना? तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए बिना किसी को जाने समझे, या किसी के वीडियोस को देखे डिसलाइक नहीं करना चाहिए। तो ये था उनके लिए जो मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हैं और जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हो, आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को भी प्यार और सपोर्ट दीजिए, हम भी आगे बढ़ें आप सबके आशीर्वाद से। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँगी। कभी एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि मैं, लेकिन ये चीज़ है, मैं हिम्मत नहीं हारती थी। जब मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ था, उसके पहले की मैं बात कर रही हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती थी। मैं डेली वीडियो बनाती थी, डेली नहीं बना पाती थी तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियोस मेरे जाते ही थे। मैं वीडियो बनाती थी, अपलोड करती थी, मेरी मतलब एक अंदर से इच्छा थी कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और यूट्यूब पर काम करूँ। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं वीडियो कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं पता था। तो मैं ऐसे एक दिन लेटी थी, सोच रही थी कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं, किससे सीखूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं। सच बता रही हूँ, किसी ने हमें नहीं बताया। अगर मैं किसी से पूछती भी थी, जैसे मैं किसी से पूछ भी लेती थी, तो लोग पता है क्या करते थे, लोग मुझे बताने के लिए ना नंबर चेंज कर देते थे अपना, कि कहीं ऐसा ना हो कि सपोर्ट मांगे, हेल्प मांगे, ऐसा ना, मतलब ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ। तो लोग क्या करते थे, अपना नंबर बदल देते थे, बातें नहीं करते थे। मैंने कभी कभी कहा भी है दो एक लोगों से, आप समझ सकते हो जिसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती अपनी वीडियो में। तो मैंने, आप जिसकी बात करते हो ना उसी की बात मैं भी कर रही हूँ, आप जिसको हमेशा पूछते हो, तो उनसे मैंने कहा भी था एक दो बार कि आप मुझे यूट्यूब के बारे में बता दो, मुझे सिखा दो, मैं भी यूट्यूब पर काम करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो पता है उस पर्सन ने क्या बोला मुझसे, मुझसे ये भी नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, बस वो हाँ हाँ करता, और इसके बाद उन्होंने अपना नंबर चेंज कर दिया। नंबर चेंज करने के बाद फिर मैं दोबारा तब कभी नहीं बोली, 3 से 4 बार मैं बोली थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि ये आदमी मुझे मतलब नहीं चाहता कि मतलब मैं यूट्यूब पर काम करूँ, मैं यूट्यूब पर आऊँ, तो फिर मैं उनसे नहीं बोली दोबारा। फिर मैं खुद से सीखी वीडियो बनाना, एडिटिंग क्या कैसे होता था, मुझे किस ऐप से करना, ये सब कुछ मुझे नॉलेज नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे, चैनल के माध्यम से मैंने सीखा, और इसके बाद मेरे दिल में एक इच्छा हुई कि चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ। इतना तो पता था कि अगर स्टार्टिंग होगी तो गलतियाँ भी होंगी, आदमी जब सीखता है तभी तो गलती करता है, और हर कोई सीखता ही रहता है। अगर देखा जाए तो हर इंसान लाइफ भर सीखता है, कुछ ना कुछ नया तो हर इंसान सीखता रहता है ना। तो बस मैं फिर जब YouTube पर वीडियो देखी तो वहाँ से मुझे कुछ मोटिवेट हुई, और मैं एडिटिंग करना सीख गई, वीडियो बनाना सीख गई। फिर धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करने लगी, और वीडियो अपलोड करने लगी तो आप लोगों के साथ मैं इस मुकाम तक पहुंची कि आप लोगों से मेरी बातें हो जाती हैं, आप लोगों को जब मैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। सच में मुझे लगता है कि इतने लोग मेरे साथ हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे भी अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सच में प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और हम भी चाहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ूँ। तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आपके घर में भी कोई है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और वो सब भी प्यार और सपोर्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि वो सभी हमें सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी,
और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग उसका वेट करना। बाय गाइज़।